मैं तो एक मिनट भाई, एक मिनट हिमांशु जी। भाई जी, ये आपके पिताजी के नाम एक संदेश है। हमने देना तो ये मनीष ग्रोवर जी को था, लेकिन आप आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से हमारी पैरवी करेंगे। एक तो आपसे ये अनुरोध है कि भाई फाइनेंशियली हमारा जुगाड़ अब ठीक नहीं है, एक तो हमारी फाइनेंशियली मदद करवाएं, आपने पहले भी कहा था। दूसरा ये है, सेवा में श्रीमान मनीष ग्रोवर जी, पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, सैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर रोहतक द्वारा बाजे भगत स्मारक की आधारशिला रखने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का समय दिलाने बारे प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि सैन समाज चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड रोहतक के द्वारा सूर्य कवि बाजे भगत स्मारक रोहतक में बनाया जाएगा, जिसके लिए ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद ली गई है। अतः आपसे निवेदन है कि स्मारक की आधारशिला रखने के हेतु आगामी नवरात्रों में 1 अक्टूबर को, हम 1 अक्टूबर और शनिवार है, नवरात्रे हैं 2022 को, मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा से इसकी नींव रखवाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि 1 अक्टूबर को नवरात्रों में आप मुख्यमंत्री जी का समय दिलाने का हमें कोशिश करेंगे। और ये तभी संभव है भाई हिमांशु जी, देखो रोहतक में कोई मंत्री या मुख्यमंत्री आए और भाई मनीष ग्रोवर की रिकमेंडेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो आएंगे तो आपके पिताजी के प्रयासों से आएंगे, आपके प्रयासों से आएंगे। इस सभा के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, देखो 80 सालों के बाद एक ऐसे कवि को समर्पित हम स्मारक बना रहे हैं जिसकी किसी ने 80 सालों तक किसी ने सुध नहीं ली, लेकिन अब हमें उम्मीद जगी है क्योंकि भाई आपकी सरकार आई है और आपने हमें सहयोग किया है, हमारी मदद की है। तो आपसे दो प्रार्थना है, एक तो फाइनेंशियली आप हमारी मदद जरूर करवाएं और दूसरा मुख्यमंत्री जी के हाथों इसकी नींव रखवाएं, 1 अक्टूबर को हम इसकी नींव रखेंगे। ये संदेश आप अपने पिताजी को और पूर्व मंत्री जी को जरूर देंगे। भाई हिमांशु ग्रोवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं पहले तो सबसे पहले सैन समाज का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इतना मान दिया, और माफ़ी मांगूंगा, पिताजी को आना था पर किसी कारणवश कुरुक्षेत्र जाना पड़ा, इमरजेंसी कारण नहीं आ पाए। जैसे मुझे मांग पर हमारे सैन समाज के प्रधान जी ने दिया है मुझे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सीएम साहब तक आपका मैसेज पहुंचे और 1 तारीख को वहां आए, और जो आर्थिक मदद की गई है इनकी तरफ से मैं पूरी पैरवी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी।